हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है वाइल्ड स्टोन हाइड्रा एनर्जी बॉडी डिओड्रेंट। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है वाइल्ड स्टोन की डिओड्रेंट, हाइड्रा एनर्जी बॉडी डिओड्रेंट। ये एक मेन प्रोडक्ट है, वीमेन के लिए नहीं है, बट अगर वीमेन को इसकी फ्रेग्रेंस पसंद आती है तो इसके साथ जा सकती हैं, इसे यूज़ कर सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। तो ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आती है मार्केट में, जैसे ये जूस जूस वेरिएंट में आती है जो पर्पल कलर की है, और ये लेजेंट वेरिएंट में भी आती है जो ब्लू कलर में होती है, और ये अल्ट्रा सेंसुअल में भी आती है जो रेड कलर की है। तो आपको जो पसंद हो आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसकी प्राइस है 195 रुपीज़ और क्वांटिटी है 150 ml की। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट फॉग की डिओड्रेंट 300 to 400 में आती है, तो उसके मुकाबले ये डिओड्रेंट ज़्यादा रिजनेबल है, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और इसे आप यूज़ कर सकते हैं 2 ईयर्स तक मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसे कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से, जनरल स्टोर से ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इजीली अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ये ऐसे ही आती है, कोई कार्डबोर्ड की पैकेजिंग इसकी नहीं होती है। ये ब्लैक और ग्रीन कलर की बॉटल है, जिसके ऊपर आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगा, इसकी इंग्रेडिएंट्स, इसकी क्लेम, काउजन, सब कुछ इसमें मेंशन है। तो पैकेजिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी है, स्टडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे कहीं भी इजली बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी जो कैप है थोड़ी ट्विस्ट करने से अनलॉक होती है, ये देखिए, अब इसे प्रेस करने से प्रोडक्ट बाहर निकलेगी, तो काफ़ी अच्छी सिस्टम की है। और इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, माइल्ड नहीं है, माइल्ड फ्रेग्रेंस होने से तुरंत से इसकी स्मेल चली जाती है, ज़्यादा टाइम तक फ्रेग्रेंस नहीं रहती है, अच्छी स्मेल है, इंटेंस फ्रेग्रेंस है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद आती है वो लोग इसे ले सकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। और अगर वीमेन इसे यूज़ करती हैं तो लोग समझ जाएंगे कि ये एक मेन की डियो है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी पावरफुल है और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी टाइम तक चल जाती है, पूरे दिन तो नहीं बट 5 to 6 आवर्स तक ये आराम से चल जाती है, उसके बाद भी हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंस आती रहती है 1 आवर्स तक, तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। आपको इसे अपने कपड़े पे स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ स्किन पे ही लगाना है, अंडर आर्म्स पे या नेक पे लगाना है, और थोड़ा डिस्टेंस से लगाना है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। इससे कोई जलन, एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं होती है, बट अगर फिर भी आपकी स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव है तो आपको इससे यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, तभी यूज़ करना चाहिए। तो गर्मियों के लिए ये वाइल्ड स्टोन डिओड्रेंट बॉयज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग है और प्राइस भी ठीक ठाक ही है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।